वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया सोलोमन, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एट गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर एडवांस्ड कैलकुलस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल्स। कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल्स, संवृत अंतरालों में परिभाषित संतत फलन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं जो हम थ्योरम्स के फॉर्म में प्रूव करेंगे। तो थ्योरम्स जो हमारी रहेंगी वो यहाँ दी हुई हैं। फर्स्ट थ्योरम आपकी रहेगी बोरेल्स कवरिंग थ्योरम, दूसरी है बाउंडेडनेस थ्योरम, तीसरी है मोस्टेस्ट थ्योरम, चौथी बोल्जनोस थ्योरम एंड पाँचवीं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। थ्योरम्स ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जैसे सेकंड थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको फर्स्ट थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी एंड सो ऑन। तो क्योंकि थ्योरम्स इंटरलिंक्ड हैं, हम इनका प्रूफ सीरीज में करेंगे। आज का लेक्चर हमारा इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है, इसलिए आज हम फर्स्ट थ्योरम दैट इज़ बोरेल्स कवरिंग थ्योरम के प्रूफ पर फोकस करेंगे। बोरेल्स कवरिंग थ्योरम हम प्रूव करें उसके लिए रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याओं की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी या नीड़ित अंतराल गुणधर्म। तो पहले हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं एंड देन हम आएंगे बोरेल्स कवरिंग थ्योरम के प्रूफ पर। नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी या नीड़ित अंतराल गुणधर्म के लिए देखिए, IN को ले रखा है सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स। ये संवृत अंतरालों का अनुक्रम इस तरह से है कि I1 contains I2 contains I3 एंड सो ऑन। इन जनरल हम कह सकते हैं कि IN contains IN plus 1 फॉर ऑल N belonging to N। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इंटरवल होगा I1, इट contains I2, I2 के अंदर है I3 एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि दीज इंटरवल्स आर नेस्टेड इनसाइड ईच अदर, एक दूसरे के अंदर ये इंटरवल्स नीड़ित हैं, इसी वजह से ये प्रॉपर्टी कहलाती है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि IN contains IN plus 1 फॉर ऑल N belonging to N, देन इंटरसेक्शन IN विल बी नॉन एम्प्टी। अब इंटरसेक्शन IN नॉन एम्प्टी होने का मतलब है कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि सारे इंटरवल्स में कॉमन होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट में देखिए, अगर लेंथ ऑफ IN, यहाँ हमने देखा था IN contains IN plus 1 फॉर ऑल N belonging to N, तो जैसे जैसे हम N को बढ़ा रहे हैं इंटरवल्स की लेंथ छोटी होती जा रही है। तो अगर लेंथ ऑफ IN विच इज़ इक्वल टू BN माइनस AN ये टेंड करे ज़ीरो को, मतलब छोटी होते होते ये ज़ीरो को अप्रोच कर रही है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो फर्स्ट पार्ट में हमने कहा था कि इंटरसेक्शन IN में कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। सेकंड पार्ट कहता है कि अगर लेंथ ऑफ IN टेंड्स टू ज़ीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन IN विल कंटेन एग्जैक्टली वन पॉइंट। नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी देखने के बाद अब हम देखेंगे बोरेल्स कवरिंग थ्योरम। बोरेल्स कवरिंग थ्योरम के लिए देखिए, एफ एक्स को लिया गया है कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो थ्योरम कहती है कि अगर एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो है, इट इज़ एनी पॉजिटिव नंबर, तो इंटरवल ए बी को सब डिवाइड कर सकते हैं हम इंटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। ए बी को सब डिवाइड करके आप परिमित उप अंतराल इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि अगर एक्स वन एंड एक्स टू दो पॉइंट्स एक ही सब इंटरवल में लिए जाएं तो मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू हमेशा लेस देन एप्साइलन रहता है। अब इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है, जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है उसका ऑपोजिट माना जाता है और उसका ऑपोजिट मान के
कॉन्ट्रडिक्शन लाया जाता है, मतलब ऐसी चीज़, ऐसा विरोधाभास लाया जाता है जो कि अपने अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो अगर आप विरोधाभास ला सकें, तो विरोधाभास आने का मतलब है कि जो आपने अजम्पशन लिया था वो सही नहीं होगा। इस केस में अपना अजम्पशन है कि थ्योरम इज़ नॉट ट्रू, और ये अगर गलत है दैट मीन्स आपकी थ्योरम ट्रू होनी चाहिए। तो ये मेथड रहेगा हमारा थ्योरम के प्रूफ का, दिस इज कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए हमने मान रखा है कि लेट इफ पॉसिबल द थ्योरम इज नॉट ट्रू इन इंटरवल ए बी। अब थ्योरम क्योंकि पूरे इंटरवल ए बी में ट्रू नहीं है, ए बी को हम सब डिवाइड करते हैं एट इट्स मिडल पॉइंट सी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। थ्योरम पूरे रीजन ए से लेके बी तक में ट्रू नहीं है, तो कम से कम एक आधा हिस्सा इस इंटरवल का ऐसा होगा जिसमें कि थ्योरम ट्रू नहीं है। वो आधा हिस्सा ए से लेके सी तक का हो सकता है या सी से लेके बी तक का भी हो सकता है। तो थ्योरम मस्ट बी फॉल्स इन एट लीस्ट वन ऑफ ए सी और सी बी। अब ए सी और सी बी में से जिस हिस्से में थ्योरम ट्रू नहीं है उस हिस्से को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको हम रीनेम कर रहे हैं आई वन इज इक्वल टू ए वन बी वन। तो आई वन इज इक्वल टू ए वन बी वन आपके इंटरवल ए बी का वो आधा हिस्सा है जिसमें कि थ्योरम ट्रू नहीं है। क्योंकि ये इंटरवल ए बी का आधा हिस्सा है इसलिए लेंथ ऑफ आई वन विल बी हाफ द लेंथ ऑफ ए बी। तो यहाँ लेंथ ऑफ आई वन विल बी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन टू। अब यही प्रोसेस हम इंटरवल आई वन जिसको हमने ए वन बी वन कहा है उसके लिए रिपीट करेंगे। थ्योरम क्योंकि इंटरवल ए वन बी वन में ट्रू नहीं है, थ्योरम इज नॉट ट्रू इन दिस इंटरवल ए वन बी वन, इसलिए इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इंटू टू पोर्शंस जैसा कि यहाँ शो कर रखा है। ए वन बी वन का मिडिल पॉइंट ले रखा है सी वन। थ्योरम पूरे रीजन में ट्रू नहीं है तो कम से कम एक आधा हिस्सा या तो ए वन सी वन या सी वन से लेके बी वन तक एक आधा हिस्सा कम से कम ऐसा होगा जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं होगी। तो थ्योरम विल बी फॉल्स इन एटलीस्ट वन ऑफ ए वन सी वन और सी वन बी वन। वो आधा हिस्सा जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसको रीनेम करेंगे आई टू इज इक्वल टू ए टू बी टू। तो अब यहाँ देखिए आई टू इंटरवल कैसे आया है। आई वन इंटरवल का वो आधा हिस्सा जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है दैट इज आई टू। तो लेंथ ऑफ आई टू विल बी हाफ द लेंथ ऑफ इंटरवल आई वन। लेंथ ऑफ आई वन हमने यहाँ निकाल रखी है बी माइनस ए बाई टू एंड लेंथ ऑफ आई टू विल बी हाफ ऑफ दिस लेंथ। तो लेंथ ऑफ आई टू हो जाएगी बी माइनस ए अपॉन टू स्क्वेयर। अब इसी प्रोसेस को हम रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अब ए टू बी टू में थ्योरम ट्रू नहीं थी तो ए टू बी टू को इसके मिडिल पॉइंट पे हम डिवाइड करेंगे और वो आधा हिस्सा जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है उसको आप सेलेक्ट कर लें और उसको हम कहेंगे आई थ्री। इस प्रोसेस को अगर कंटिन्यू किया जाए तो आपको एक सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स मिल जाएगा जो कि इन कंडीशंस को, नीचे दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। उसमें से पहली कंडीशन क्या है, आई वन कंटेन्स आई टू कंटेन्स आई थ्री एंड सो ऑन। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं आई वन की लेंथ थी बी माइनस ए बाय टू, आई वन को आधा किया था तो आपके पास आया था आई टू, आई टू को आधा किया था तो आपके पास आया था आई थ्री एंड सो ऑन। तो इसमें से सबसे बड़ा इंटरवल होगा आई वन, इट कंटेन्स आई टू, आई टू कंटेन्स आई थ्री एंड सो ऑन। तो ये आपके पास नेस्टेड इंटरवल्स आ गए हैं। सेकेंड कंडीशन देखिए, लेंथ ऑफ आई एन, फर्स्ट इंटरवल आई वन की लेंथ थी बी माइनस ए अपॉन टू, उसको आधा किया था तो लेंथ ऑफ आई टू आई थी बी माइनस ए अपॉन टू स्क्वेयर, इसको फर्दर आधा करेंगे तो लेंथ ऑफ आई थ्री आएगी एंड सो ऑन।
तो लेंथ ऑफ आई एन विल बी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन टू टू द पावर एन, और इसकी लिमिट लेते हैं एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट आ जाएगी आपके पास ज़ीरो. तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ आई एन टेंड्स टू ज़ीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. अब हर स्टेप में हम वो हिस्सा सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है, मतलब आई का वो हिस्सा जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है दैट वॉज आई वन, आई वन का वो आधा हिस्सा जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है दैट वॉज आई टू, आई टू का वो आधा हिस्सा जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है दैट वॉज आई थ्री, एंड सो ऑन. तो तीसरी कंडीशन कहती है कि थ्योरम इज़ नॉट ट्रू इन ईच ऑफ आई एन. तो ये जो फर्स्ट टू कंडीशंस आई हैं आप देख सकते हैं कि अभी जो आपको नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी बताई थी उसी की ये दो कंडीशंस आपके पास आ चुकी हैं, वन एंड टू. वन एंड टू आपको नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी की कंडीशंस मिल चुकी हैं. तो नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी से आपको मिलेगा इंटरसेक्शन आई एन कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉइंट. अब वो जो वन पॉइंट इंटरसेक्शन आई एन में कंटेंड है उसको हमने ले लिया है अल्फ़ा. तो अल्फ़ा हमने लिया एलिमेंट बिलोंगिंग टू इंटरसेक्शन आई एन. अब ईच ऑफ दिस आई एन्स इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी, क्योंकि ये सारे डिराइव हुए थे क्लोज्ड इंटरवल ए बी में से. क्लोज्ड इंटरवल ए बी को आधा किया था तो आपके आई वन मिला था, आई वन को आधा करने से आई टू मिला था, एंड सो ऑन. तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई एन एंड ईच ऑफ दिस आई एन्स इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी. अब थ्योरम की कंडीशन में हमें दे रखा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू ए बी, देयरफॉर एफ एक्स विल बी कंटिन्यूस एट अल्फ़ा. अब डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लगाएंगे अल्फ़ा पर, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा. अब एप्साइलन डेल्टा डेफिनेशन या कोशीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम अप्लाई कर सकते हैं गिवन एनी पॉजिटिव नंबर एप्साइलन. थ्योरम में हमें दे रखा है एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इन पर्टिकुलर एप्साइलन बाय टू भी ग्रेटर देन ज़ीरो ही रहेगा. इस केस में हम एप्साइलन डेल्टा डेफिनेशन लगाएंगे टेकिंग एप्साइलन बाय टू इन प्लेस ऑफ एप्साइलन. अब यहाँ एप्साइलन बाय टू हम क्यों ले रहे हैं वो आगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अल्टीमेटली हमको दो पॉइंट्स लेने हैं एक्स वन एंड एक्स टू. हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एप्साइलन बाय टू और एप्साइलन बाय टू आके दोनों का टोटल एप्साइलन के बराबर आ जाए, इसलिए डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने एप्साइलन बाय टू लिया हुआ है पॉजिटिव नंबर को. तो अब डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करते हैं. डेफिनेशन से गिवन एनी एप्साइलन बाय टू ग्रेटर देन ज़ीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एफ अल्फा इज लेस देन एप्साइलन बाय टू. और इस कंडीशन को हम कह देते हैं ए, ये डिराइव हो रही है एप्साइलन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी से. तो इस कंडीशन के हिसाब से जब भी एक्स और अल्फ़ा के बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम होगा मॉड एफ एक्स माइनस एफ अल्फा विल बी लेस देन एप्साइलन बाय टू. अब अगली चीज़ आप देखिए, लेंथ ऑफ आई एन इज टेंडिंग टू ज़ीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. जैसे जैसे आप एन को बढ़ा रहे हैं, आपने देखा था हर स्टेज पे आगे आने वाला इंटरवल पिछले इंटरवल का आधा है, तो लेंथ आपकी कम होती जा रही है एंड इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. अल्फ़ा इंटरसेक्शन आई एन में प्रेजेंट है, तो आप लेंथ ऑफ आई एन को कितना भी छोटा कर लें क्योंकि अल्फ़ा इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है, अल्फ़ा हर एक आई एन में प्रेजेंट होगा. अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस इंटरवल अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा. अल्फ़ा माइनस डेल्टा एंड अल्फ़ा प्लस डेल्टा के बीच में अल्फ़ा हमेशा प्रेजेंट होगा. आई एन जो इंटरवल है उसकी लेंथ छोटे होते जा रही है जैसे हम एन को बढ़ा रहे हैं. तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि एन को इतना बड़ा कर देना है
कि ये जो लेंथ है आईएन की एएन से लेके बीएन तक, ये इतनी छोटी हो जाए कि ये अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा तक का जो इंटरवल है ये छोटी होते होते उसके अंदर आ जाए। तो ये थ्योरम का मेन पॉइंट है कि आपको चूज करना है एन को सो लार्ज दैट द इंटरवल आई एन इज इक्वल टू ए एन बी एन गेट्स कंटेंड इन द इंटरवल अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा। तो एन को इतना बड़ा लेना है कि आई एन बिकम्स कंटेंड इन, आई एन बिकम्स अ सबसेट ऑफ द इंटरवल अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा। अब अगर आप एक्स वन एंड एक्स टू दो पॉइंट्स इस रेंज में लेंगे आई एन इंटरवल में, दैट मीन्स ए एन एंड बी एन के बीच में, तो एक्स वन एंड एक्स टू विल ऑल्सो बी कंटेंड इन द रेंज अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा। अगर x1 एंड x2 इंटरवल IN में लिए जाते हैं, दैट मीन्स इस रेंज में लिए जाते हैं, ये इंटरवल क्योंकि अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा के बीच में आ चुका है, तो जो आपके x1 एंड x2 हैं दे विल बिलोंग टू अल्फ़ा माइनस डेल्टा एंड अल्फ़ा प्लस डेल्टा। इसलिए मॉड x1 माइनस अल्फ़ा विल बी लेस देन डेल्टा और साथ ही मॉड x2 माइनस अल्फा विल ऑल्सो बी लेस देन डेल्टा। अब अगर x1 एंड x2 को इंटरवल ए एन बी एन में लिया जाता है, तो हम n को इतना बड़ा ले चुके हैं कि ये जो इंटरवल है ए एन बी एन ये अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा के अंदर आ चुका है। अब अल्फ़ा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा के बीच में आने का मतलब है कि मॉड एक्स माइनस ए विल बी लेस देन डेल्टा, और रिलेशन ए में हम देख चुके हैं कि वेन एवर मॉड एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। तो एक्स वन भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और एक्स टू भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये एक्स वन एंड एक्स टू जो दोनों पॉइंट्स थे ए एन बी एन में है और ए एन बी एन आपका अल्फ़ा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा के अंदर कंटेंट है। तो ये कंडीशन आप एक्स वन के लिए लगाते हैं तो आपको ये पहला रिजल्ट मिलेगा, एक्स वन माइनस अल्फा इज़ लेस देन डेल्टा, इसलिए मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ अल्फा विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। और इसी टाइप का रिजल्ट आपको x2 के लिए मिलेगा कि x2 माइनस अल्फा इज़ लेस देन एप्सिलॉन, सॉरी x2 माइनस अल्फा इज़ लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज मॉड एफ एक्स टू माइनस एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। अब देखिए थ्योरम में हमें निकालना था मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू, इसको आप कैलकुलेट करते हैं। मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू निकालने के लिए हमने इसमें से माइनस एफ अल्फा सब्ट्रैक्ट किया और इसी चीज़ को ऐड किया, तो बीच वाली दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू को इस तरह से लिखा है, मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ अल्फा प्लस एफ अल्फा माइनस एफ एक्स टू। फर्स्ट टू टर्म्स को एज सच रखा है, लास्ट टू टर्म्स में से ये नेगेटिव साइन कॉमन निकाल रखा है। अब ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगा के मॉड्यूलस को खोलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ माइनस एफ एक्स टू माइनस एफ अल्फा, क्योंकि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। कंडीशन नंबर वन को आप यूज़ कर लीजिए, तो मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, और कंडीशन नंबर टू को आप यूज़ कर लीजिए तो ये मॉड एफ एक्स टू माइनस एफ अल्फा इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। तो ओवरऑल आपके पास ये एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू जुड़ के एप्सिलॉन आ जाएगा एंड यू गेट मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इज लेस देन एप्सिलॉन। दैट मीन्स एक्स वन एंड एक्स टू हमने सेम सब इंटरवल में लिए थे और मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू आपके पास आ गया है लेस देन एप्सिलॉन, तो थ्योरम तो ट्रू हो गई फॉर आई एन जो कि हमने लिया था ए एन बी एन के बराबर,
क्योंकि यहाँ हमने एक्स वन एंड एक्स टू आई एन में ले रखे हैं, और एक्स वन एंड एक्स टू को अगर आई एन में लेते हैं तो मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू आपके पास आ रहा है लेस देन एप्सिलॉन, तो थ्योरम आपकी ट्रू हो गई है फॉर द इंटरवल आई एन। अब ये आपके पास आ गया है विरोधाभास, क्योंकि जहाँ हमने तीन कंडीशंस लिखी थी, फर्स्ट टू कंडीशंस तो आपकी कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम की थी, कंडीशन नंबर थ्री थी कि थ्योरम इज़ नॉट ट्रू इन ईच ऑफ आई एन। अगर आपको ध्यान हो तो हर इंटरवल हम इसी तरह से चूज़ कर रहे थे, वो इंटरवल जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है, आई वन का वो हिस्सा, वो आधा हिस्सा जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है, दैट वॉज आई टू, आई टू का वो आधा हिस्सा जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है, दैट वॉज आई थ्री, एंड सो ऑन। तो हर स्टेप में हमने आई एन को वो इंटरवल लिया था जिसमें कि थ्योरम ट्रू नहीं है, और यहाँ पर आपके पास आ गया है कि थ्योरम इज ट्रू इन आई एन। ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है आपकी कंडीशन नंबर थ्री को कि थ्योरम इज नॉट ट्रू इन ईच ऑफ आई एन। अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है, ये आया है हमारे मानने से कि थ्योरम इज नॉट ट्रू, तो थ्योरम को असत्य मानते हैं। आप अगर मानते हैं कि प्रमेय असत्य है तो आपके पास ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि कॉन्ट्रडिक्ट्री है, इसलिए जो आपने अजम्पशन लिया था कि थ्योरम ट्रू नहीं है वो गलत होना चाहिए, और फलतः आपकी प्रमेय सत्य होनी चाहिए, थ्योरम मस्ट बी ट्रू, एंड दिस कम्प्लीट्स द प्रूफ ऑफ योर थ्योरम, दैट इज बोरेल्स कवरिंग थ्योरम। जैसा कि आपको बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल्स, इसमें एक सीरीज ऑफ थ्योरम्स हैं जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम थ्योरम करेंगे जो कि आपने आज जो थ्योरम डिस्कस करी है, बोरेल्स कवरिंग थ्योरम, उस पर बेस्ड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।